नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कोमा में चल रहे पूर्व राष्ट्रपति ने आर्मी अस्पताल में आखिरी सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म वीरभूम जिले के मिर्ती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी। उल्लेखनीय है कि प्रणब मुखर्जी की 21 दिन पहले कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की थी। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके थे। उन्हें मानद डिलीट उपाधि भी प्रदान की गई थी। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफर 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे। 1984 में प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने। उन्होंने पीवी नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किए। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया था। कांग्रेस और देश के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के 13वीं राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वह 6 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे और उन्हें कांग्रेस का संकट मोचन भी माना जाता था। 2019 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की सूचना मिली, उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्रणब दा एक विद्वान व्यक्ति, बड़े राजनेता होने के साथ ही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसा की गई। वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे भारतीय राजनीति में खालीपन छोड़ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया। ट्वीट कर कहा, श्री प्रणब मुखर्जी का निधन राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित एक अग्रणी राजनेता और दयालु इंसान थे। हम उनके मार्गदर्शन को गहराई से याद करेंगे और उन्हें और उनकी दृष्टि को लंबे समय तक याद रखेंगे। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट कर कहा, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। दिवंगत आत्मा को शांति और उनके प्रियजनों को शुभेच्छुओं को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। आसू प्रमुख सुदेश महतो ने ट्वीट कर कहा, कानून, सरकारी प्रक्रियाओं, वित्त प्रणाली और संविधान की बारीकियों की बेहतरीन समझ रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी के निधन की खबर सुनकर अत्यंत दुखी हूँ। उनके निधन से राजनीतिक और बौद्धिक जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रणब दा को उनकी विद्वता, दूरदर्शिता और शालीन व्यक्तित्व के लिए सदैव याद किया जाएगा। ट्रैवल इंडिया टीवी परिवार भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।